नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल UBS कंपटीशन में स्वागत करता हूँ। कि दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस में सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसे मैंने आपको गति के समीकरण पढ़ाया था, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए मैं आज उसी का पार्ट टू लेकर आया हूँ, जिसे मैं आपको MCQ कराऊंगा। यानी जितने भी रेलवे, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे लोको पायलट हो, चाहे NTPC हो, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उनका कलेक्शन लेकर आया हूँ। तो आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, मैं कुछ ना कुछ आपको क्या इसमें जरूर सिखा कर जाऊंगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, स्क्रीन पे स्लाइड होता रहेगा और आप क्या होगा, साथ साथ मेरे पहले हल करने की कोशिश करिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया, इसमें अंतिम भाग से शुरू होने वाली का एक कार 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर समांतरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। यानी अंतिम भाग से शुरू होने वाली कार मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तुमको यूनिट से पता करना है कि कौन सी राशि की यूनिट है ये, या कौन सी राशि को प्रदर्शित करेगा। तुमको पता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, तो त्वरण की। यानी ए बराबर क्या लिख देंगे, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मिनट किसका मात्रक हो, तो समय के, यानी टी बराबर लिख देंगे 2 मिनट। लेकिन मिनट में सवाल नहीं है, लो सेकंड में, तो 2 × 60 कर दें, कितना आ जाएगा, 120 सेकंड। अब हल करते हैं, क्या है कार द्वारा प्राप्त गति, गति मान लेते हैं, क्या होगा, v का मान निकालना हमको, v बराबर क्वेश्चन मार्क। और यानी कोई वस्तु हमको प्रारंभिक गति चलेगी, तो u बराबर मैंने क्या बताया इससे पहले वाले लेक्चर में, कि हमेशा क्या मान लेना, 0। तो समय गति का पहला समीकरण लगाएंगे, कैसे पता चलेगा, क्योंकि v दिया है, u दिया है, a दिया है, और क्या t दिया है। देख, ये पूरी चीजें गति के पहले समीकरण, यानी v बराबर क्या होगा, u प्लस क्या, at, वैल्यू पुट करेंगे 0 है, a का मान कितना है 1, और t का मान कितना है 120, तो गुणा करेंगे 120, और चाल का मात्र या वेग का मात्र क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। यानी क्या ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका भी सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, सवाल हल करने का तरीका मैंने क्या बताया, जो दिया उसको क्या करते हैं, हल लिख लेते हैं पहले। तो स्थिर अवस्था, तो स्थिर अवस्था अगर दिया रहे, तो यानी विराम अवस्था, T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। उसके बाद कह रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण का यूनिट होता है, यानी ए बराबर लिख देंगे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है 8 सेकेंड, यानी सेकेंड का मतलब होता है समय, 8 सेकेंड। और कह रहा है नाव द्वारा तय की गई दूरी, दूरी मतलब क्या होता है, यस, यस की वैल्यू निकाल ली हमको। तो हमको यस वाला फार्मूला किसमें होता है, पहले तो नहीं लगा सकते, यानी तो दूसरा समीकरण लगाएंगे या तीसरा, लेकिन क्या स्थिति और समय के साथ संबंध किसका होता है, दूसरा, यानी दूसरी इक्वेशन हमको लगानी है। तो दूसरा इक्वेशन क्या होता है, यस बराबर ut प्लस क्या होगा, हाफ at स्क्वायर। अब u का मान 0 रख देते हैं, t का मान 8 प्लस हाफ, a का मान कितना है 3, और टाइम कितना दिया, 8 का स्क्वायर करें कितना होगा, 64 होगा, इसको काटें कितना होगा 32, और ये तो पूरा 0 बन जाएगा, और 32 नहीं है, कितना होता है 96, यानी क्या होगा 96 मीटर। यानी जिस ऑप्शन में 96 मीटर होगा, भाई हमारा क्या है सही। अब दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम वैसे भी कर सकते हैं, आपको अगर बस यूनिट का ज्ञान होगा तब, कि देखा जाए पहला ऑप्शन दिया है मीटर सेकंड दिया है, तो मीटर सेकंड दूरी का मात्रक नहीं होता, हट जाएगा। और दूसरा दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का मात्र, ये भी नहीं होगा। और डी में देखेंगे मीटर पर सेकेंड, केवल क्या सी में क्या मीटर दिया है, क्योंकि दूरी का मात्र मीटर हो, तो आप क्या बिना हल करे भी इस क्वेश्चन को क्या करते, आराम से हल करके आ जाते। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है, यानी कौन सा देखना है हमको, वेग समय, वेग और समय के बारे में देखना है फ्रेंड। यानी अगर पहला ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन में इस लिख के सबको समझा दे देता हूं, तो यस बराबर क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर दिया है, और बी में दिया है 2as बराबर v² माइनस क्या होगा, u², और सी में दिया है v बराबर u प्लस at, और डी दिया है v बराबर u माइनस at।
तो देखा जाए पूछा क्या गया इसमें, वेग समय। तो वेग समय किसको अज्ञात जो होगा वो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि यस आता है तो यस का संबंध क्या होता है? स्थिति। यस का मतलब क्या? स्थिति, यानी स्थिति के बारे में तो पूछा नहीं है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें भी यस आया, इसमें भी यस आया। अब देखा जाए क्या, ये सी नंबर बचा और डी नंबर। अब देखा जाए क्वेश्चन, देखा जाए कौन सी सही होगी। अगर बता रहे हैं कि कोई क्षैतिज तल में चलता है तो उसके लिए क्या होता है, हम यही फार्मूला लगाएंगे। यानी क्या हो गया, माइनस वाला तो बता देते, यहाँ पे जी हो जाता है, ऊंचाई के साथ कन्वर्ट होता है। बाकी जब क्षैतिज तल में देखा जाएगा तो बी बराबर यू प्लस क्या होता है, ए टी, यानी पहला समीकरण होता है न्यूटन का गति के, मतलब पहले समीकरण ये। तो अब देखा जाएगा तो वेग बी से क्या होता है, वेग होता है, और समय किसको बताएगा, टी। यानी कई सवाल का आंसर देखा जाएगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकेंड बाद उसका वेग क्या होगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और देखा जाए आरआरबी जेईई ये में पूछा गया है, तो हल करते हैं। तो सबसे पहले विरामावस्था से, विरामावस्था देखते हैं हमको क्या लिख देना है, यू बराबर 0 लिख देना है। अब दे रहा है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक होता है, तो ए बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब कह रहे गतिमान होती है तो 4 सेकेंड, यानी सेकेंड मतलब क्या, टी बराबर लिख देंगे 4 सेकेंड। कह रहे उसका वेग क्या होगा, यानी वी बराबर क्या होगा, कुसर मान। तो यू ए टी और वी किस समीकरण में होते हैं चारों चीजें, तो पहले समीकरण में। तो पहले समीकरण होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, अब पुट कर देंगे वैल्यू को, यू की वैल्यू 0 और ए का मान 2 है, टी का मान कितना 4, तो 4 × 2 = 8, और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए सही है, क्योंकि ए नंबर में 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया, और सेम देखा जाएगा 8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा तो पूछा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए सही। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया एक रेलगाड़ी विरामावस्था से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी यस का मान हमको निकालना है। और ऑप्शन पढ़ते हैं फ्रेंड, ये किलोमीटर में दिया हुआ है तो हमको किलोमीटर में यानी बड़ी यूनिट में निकालना है। तो हल करते हैं, दिखेगा यू बराबर 0 मीटर पर सेकंड मान लेंगे, और टी बराबर इसमें दिया 5 मिनट, तो मिनट को सेकंड बदल देंगे, 60 गुणा कर देंगे, यानी 300 सेकेंड हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी क्या होगा, 0 से कितना 90 किलोमीटर, यानी वी का मान है तो 90 दिया है हमको मीटर प्रति सेकंड में पहले बना लेंगे, तो 5/18 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 18 × 5 = 90, तो कितना हो जाएगा, 5/25 मीटर प्रति सेकंड। तो कह रहा है त्वरण समान है, यानी पहले ए की वैल्यू निकालेंगे तभी क्या होगा, एस की वैल्यू आएगी यानी दूरी। तो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, गति के पहले समीकरण से, तो क्या होता है बी बराबर यू प्लस क्या होगा, ए टी। तो अब क्या हल करते हैं, बी का मान तो दिया इसमें 25, यू का मान 0, ए का मान कितना दिया है निकालना है, और टी का मान 300। अब इसको उधर लेकर आएंगे, बट्टे में आ जाएगा ये, जब काट देते हैं 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 12 बार जाएगा, तो ए बराबर कितना जाए, 1/12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दूरी के लिए हमको 2 फार्मूले पता होता है, तो चाहे दूसरा लगा दो चाहे तीसरा लगा देते हैं, तो दूसरे लगा देते हैं, एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यू को मान तो 0 है, तो ये पूरा क्या होगा, 0 बन जाएगा, 1/2, ए का मान कितना निकाले हैं, 1/12, और टी की वैल्यू कितनी है, 300, यानी 300 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 2 बार लिख सकते हैं स्क्वायर का मतलब, इसी को हल करना है। अब यह आएगा हमारा किसमें, मीटर में, तो हमको किलोमीटर बनाना है, तो आपको पता होगा 1 मीटर में कितने किलोमीटर होता है, तो 1 मीटर में होता है क्या, 1/1000 किलोमीटर, यानी 1000 से हमको भाग कर देना है बस। तो काटेंगे 3 जीरो से, 3 जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब काटेंगे 2 से, यहाँ कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब यहाँ फिर 3 × 4 = 12, अब ऊपर क्या बचा हुआ है, 15, और नीचे क्या 4 है, तो 15/4 का वो भाग करेंगे कितना होगा, 4 × 3 = 12, अब उसके बाद कितना बचेगा, 30, यानी 27, 7 बार जाएगा, उसके बाद 5 बार, यानी 3.75 किलोमीटर। और जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें है ये, तो ऑप्शन नंबर इसका डी क्या है, बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दिया एक वस्तु स्थिर स्थिति से प्रारंभ होकर 4 मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है 8 सेकेंड बाद इसकी गति क्या होगी। तो पहले जो दिया है लिख देते हैं, ते बराबर लिख देंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टी बराबर दिया है 8 सेकेंड, और अगर इसकी गति क्या होगी यानी क्या होगा, वी की वैल्यू निकालनी है। अब बताए थे यदि कोई वस्तु विरामावस्था चलेगी तो यू का मान कितना होगा, 0। तो गति का पहले ही समीकरण लगाएंगे, वी बराबर क्या होता है, वी बराबर यू प्लस क्या होगा एटी, रख देंगे यू का मान 0 और ए का मान कितना है 4 और टी का मान कितना है 8, तो 8 चौक कितना होगा 32 और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो जिस जी ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसमें कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों मैंने सवाल बता चुका हूं तो एक बार फिर से बता देते हैं। तो पहले हम तीनों समीकरण लिख लेते हैं, तो पहला होता है v बराबर u प्लस at, दूसरा होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखते हैं पहला कौन सा संबंध दर्शाएगा, दूसरा कौन सा संबंध और तीसरा कौन सा। तो देखा जाएगा इसमें पूछा पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। तो पहला देखते हैं, तो ये क्या होता है वेग और टी क्या होता है समय। तो पहला जो बताएगा वेग और समय के बीच संबंध बताता है, अब यस क्या होता है स्थिति, स्थिति में दूरी समझना है, और टी मतलब क्या होगा समय, यानी जब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा तो स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा, और तीसरा जब पूछेगा तो वी से वेग और यस से क्या बताएंगे स्थिति, वेग और स्थिति, यानी जब पहला पूछेगा तो यानी वेग और समय। तो आपसे मिलाते हैं अब, तो स्थिति समय दिया ये नहीं होगा, स्थिति वेग दिया ये भी नहीं होगा, और वेग समय, तो वेग समय किस ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या दिया है, इसी पे दिया है। तो गति के दूसरे समीकरण के द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया, और देखा जाएगा ये दोनों क्वेश्चन लोको पायलट में पूछे गए हैं। तो अब मिलाते हैं ऑप्शन में, मैंने सभी लिख दिया इसमें, ये दूसरा समीकरण पूछा है, तो दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो दूसरे समय किसके भी संबंध दर्शा रहा है, तो स्थिति और समय की भी। तो देखते हैं स्थिति और समय किस ऑप्शन में है, तो देखा जाएगा वेग समय तो ये नहीं होगा, और स्थान समय, तो स्थान समय मतलब क्या होता है, स्थान ही तो स्थिति को बताता है, स्थान ही तो स्थिति को बताएगा ना, तो यानी स्थान समय किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका, बिल्कुल सही है, सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्थान के साथ वेग दे दिया है जो कि क्या होता है तीसरा समीकरण दर्शाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी क्या है बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है, इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी दिया मीटर में तो इसको करते हैं, टाइम दिया हमको कितना, टी बराबर 5 सेकेंड, और त्वरण कितना दिया है मीटर पर सेकंड से पता चल जाएगा, यानी क्या 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक, यानी किसकी वैल्यू होगी, एक की वैल्यू होगी। अब जो हो रहा है वेग में परिवर्तन कितना हो जा रहा है, तो यानी वेग कितना है इसके निकाल लेंगे, मान लेते हैं प्रारंभिक वेग, यानी 5 से ये जो 5 होगा प्रारंभिक वेग को दर्शाया गया, और वी कितना हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कितना हो रहा है 5 से 10 हो जा रहा है। अब कह रहे कार द्वारा चली गई दूरी, यानी यस का मान चाहिए हमको, तो क्या करते हैं, तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहला समीकरण तो नहीं लगा पाएंगे, दूसरा लगा देंगे कि दूसरे वाले में तो यस आता है और तीसरे वाले में आता है, तो दूसरा ही लगाते हैं, यस बराबर क्या होता है यूटी प्लस आप एटी स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या टी का मान दिया है, टी का मान दिया, ए का मान दिया, ए का मान दिया, यू का मान दिया, यू का मान, अभी क्या करते हैं इसी प्रकार कर लेते हैं, तीसरे समीकरण लगाने कोई आवश्यकता नहीं है, तो हल करेंगे यू का मान कितना है 5 और टी का मान कितना दिया है इसमें 5 दिया है, और 1/2 ए का मान कितना 1 दिया, टी का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, ये 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 25, और ये 25 का आधा करेंगे कितना होगा 12.5, और 25 में 12.5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 37.5, और दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, देखिए किस ऑप्शन में है ये, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही आंसर होगा। फ्रेंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गति का दूसरा समीकरण डैश और समय के बीच
संबंध देता है। तो अभी मैंने बताया गति का जो दूसरा समीकरण है, दूसरे में क्या आता है, स्थिति आता है, और क्या होता है, समय आता है। तो यानी क्या ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। और देखा जाए क्वेश्चन, ये जो देखो दो बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया, यानी देखा जाए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है। तो समीकरण पहला जो दिया है v बराबर u प्लस at, ये वेग और समय के बारे में बताते हैं, यानी ए ऑप्शन नहीं होगा। और b बराबर दिया है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो यस क्या स्थिति होता है, v क्या होता है, वेग होता है, यानी क्या दूसरा ऑप्शन ये इसका क्या है, सही है। और c क्या बताता है, स्थिति और समय के बीच संबंध, यानी क्या होगा, सी भी नहीं होगा और डी तो भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या है, भी सही है। और ये भी देखा जाएगा दो बार पूछा गया ग्रुप डी के एग्जाम में। यानी आपको मैंने जो बताया है, जो इससे पहले मैंने जो पार्ट वन लेक्चर बताया, तो उसमें पूरा मैं टोटली अच्छे से समझाया हूँ। तो का क्या करिएगा, वो लेक्चर आप देख कर जाएंगे, आपको इस जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत अच्छे समझ में आएंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और ये न्यूमेरिकल दिया है, दिया है एक अचर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग, सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड हो जाता है, साइकिल का त्वरण ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं, तो उसी पर हल कर देना है बस हमको। तो ए बराबर क्या होता है, डेल बी बटे में क्या होता है, डेल टी। और वेग जो हो रहा है क्या 30 सेकेंड में कितना 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, शुरू में क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा, जीरो से क्या हुआ, 6 हो गया, यानी अंतिम वेग माइनस क्या होता है, प्रारंभिक वेग। और बटे में समय कितना लगा, 30 सेकेंड। हल करेंगे इसको, काट देंगे कितना, 1/5, 1/5 का मतलब होता है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर के हम लगाएंगे, जो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है, उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उड़ता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। गेंद बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान ज्ञात कीजिए। यह देखा जाएगा तो बल तथा गति का क्वेश्चन है, लेकिन पूछा गया तो मैं इसी इसी से रिलेटेड है तो मैं बता देता हूँ। तो फ्रंट जो दिया सबसे पहले इसको लिखेंगे, तो केजी किसका मान, द्रव्यमान को, द्रव्यमान को यहाँ से लिखते हैं, यानी 1/4 kg हो जाएगा ये। और 10 सेंटीमीटर उड़ता है, यानी एच की वैल्यू है, एच बराबर 10 सेंटीमीटर 100 से भाग कर देंगे मीटर, क्योंकि सवाल हमेशा एमकेएस में लगती है, यानी कितना आ जाएगा, 1/10 मीटर आ जाएगा। अब उसके हाथ से गेंद 2 मीटर पर सेकेंड, यानी यू का मान होगा, यू बराबर लिख देंगे हम 2 मीटर पर सेकेंड, और फेंकने के लिए लगाए गए बल, यानी एफ का मान हमको चाहिए। तो एफ का मान कैसे कब आएगा, क्योंकि एफ बराबर हमको पता है में, यानी यम का मान तो पता है लेकिन ए का मान नहीं पता, यानी जब तक ए का मान नहीं आएगा तब तक का बल हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या निकालने की कोशिश करेंगे, और देखते हैं इसमें टाइम दिया है, इसमें टाइम नहीं दिया, सीधी बात, अपना तो पहला समीकरण लगा पाएंगे और ना ही क्या कर पाएंगे, दूसरा लगा पाएंगे, तो तीसरा समीकरण लगाते हैं। तो तीसरा समीकरण हमने क्या पढ़ा, बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर, और कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो क्या होगा, माइनस में सूचल दे 2g h, यानी यहाँ पे हमको जी का मान निकालेंगे, यानी जी क्या होगा, यहाँ पर एक के बराबर काम करेगा, यानी सूत्र हमको मान के बन जाए, या बराबर एम जी बल के लिए सूत्र होता है। अब बताओ कोई वस्तु नीचे से ऊपर अगर फेंकी जा रही है, तो उस कंडीशन में जब ये पीक पॉइंट होगी, यानी क्या शिखर बिंदु पर होगी, तो यू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे बस इसी का यूज करते हुए रखते हैं, यू की वैल्यू 0, और यू सॉरी वी की 0 रख देंगे, और यू का कितना, 2, 2 का स्क्वायर करेंगे, और ये 2g, g की वैल्यू निकालनी है, और इसका मान कितना, 1/10, अब काटेंगे 5 आ जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो g/5, और ये कितना होगा, ये 4 हो जाएगा, तो g बराबर कितना हो जाए, 5 चौक 20, ये क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या निकाल, हमसे क्या पूछ रहा है, इसमें बल पूछ रहा है, तो बल बराबर हमारा सूत्र क्या बना है, एम जी, तो एम की वैल्यू 1/4 रख देंगे, और जी की वैल्यू कितने निकाले हम, 20 निकाले, तो यहाँ पे 20 पुट कर देंगे, तो 5 चौके कितना होगा, 20, तो अब बराबर कितना जाएगा, 5, और बल का मात्रक हमने क्या पढ़ा हुआ है, न्यूटन, तो ये 5 न्यूटन सवाल का क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो पहला ऑप्शन दिया है 2
टू ए एस बराबर यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दोस्तों इधर लेकर आएंगे तो क्या माइनस में आने लगेगा, तो ये क्या, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। और देखा जाए एस बराबर बी में देखा जाए एस बराबर यू टी प्लस आप ए टी, बिल्कुल सही है। और सी देखा जाएगा तो टू ए एस यानी इसको इधर लेकर आए तो यू स्क्वायर प्लस टू एस बराबर बी स्क्वायर होता ही है, और डीम देखेंगे तो बी बराबर यू प्लस होता ही है, तो v बराबर u प्लस ए टी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या देखेंगे, ए क्या है, गलत है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। और देखा जाए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है सब क्या पूछे गए हैं, तो क्या करना है आपको, इन्हीं क्वेश्चनों को देखना हो, कहीं तुमको अलग से मेहनत नहीं करनी। आप क्या यदि इन्हीं सब क्वेश्चनों को देख कर जाते हैं तो आप क्या होगा 100% करके आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल का दिया है, यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हल करते हैं। प्रारंभिक स्थिति दे रहा है यानी यू की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 0 मान लेंगे, और टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड, और कह रहा है 144 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक समान रहता है तो यह दूरी कितनी तय करेगी, यानी क्या होगा v की वैल्यू है, ये v की वैल्यू कितनी है, ये यहाँ पे हल करते हैं 144 दिया है, और मीटर पर सेकंड में हल करते हैं सवाल, तो 5 बटे 18 क्या करते हैं, गुणा कर देंगे। तो इसको हल करते हैं तो हमको क्या, अगर सीधी बात है 144 है और इसको मीटर पर सेकंड बना लेके करेंगे हम 5 बटे 18 का गुणा करेंगे, तो इसको जब पढ़ेंगे तो 18 अट्ठे कितना होता है 144, तो 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। और पूछ क्या रहा है इसमें कि कितनी दूरी यानी यस का मान चाहिए हमको, तो कौन से इक्वेशन लगा सकते हैं। तो देखा जाएगा कोई भी इक्वेशन लगाए समय क्या होता है, त्वरण आता है, यानी जब तक त्वरण नहीं आएगा तब तक हम क्या दूरी का समीकरण नहीं लगाए, तो पहले क्या निकालते हैं, त्वरण निकालने की कोशिश करते हैं। तो v बराबर क्या होता है u प्लस at, तो v की वैल्यू कितनी है 40 दिया है, u तो 0 दिया है, और क्या a की वैल्यू नहीं पता है, और t कितना दिया है 20, तो 20 दूने कितना होता है 40, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चाहे तीसरा समीकरण लगा देते हैं चाहे दूसरा, दूसरा यह लगा देते हैं, एस बराबर क्या होता है यूटी प्लस आप एटी स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 तो पूरा क्या होगा 0 बन जाएगा, अब हाफ ए, अब ए की वैल्यू कितनी निकाली है वो 2, और टी की वैल्यू कितना दिया 20, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, यानी 400 मीटर इस सवाल का क्या होगा आंसर। हमने इस क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड ये आज की हमारी लास्ट सवाल है और इसको हम समझते हैं, न्यूमेरिकल है, दिया है 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है, इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 2 सेकेंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया है उसको लिखते चले जाएंगे, तो केजी किसका मात्रा है द्रव्यमान के, यानी एम बराबर कितना लिख देंगे 1 kg, और टी बराबर दिया इसमें 20 सेकेंड, सॉरी टी बराबर दिया इसमें 2 सेकेंड, और वी यू की वैल्यू कितना दिया इसमें 2 मीटर प्रति सेकेंड, और जो बल का मान है कितना दिया है या बराबर 1.5 न्यूटन, और इसमें पूछ क्या रहा है विस्थापन का मान यानी क्या यस की वैल्यू निकालनी है हमको, तो यस की वैल्यू कब तक नहीं आएगी जब तक क्या एक का मान ना पता होता है, पहले हमको एक का मान चाहिए, तो एक का मान कैसे आएगा या बराबर क्या होता है एम में, तो एफ का मान रख देंगे 1.5, यहाँ पे एम का मान कितना 1, तो बराबर 1, तो जब गुणा करेंगे हल किया जाएगा तो ए की वैल्यू कितनी 1.5 आ जाएगी। अब लगाते हैं गति का पहला समय दूसरा समीकरण, क्यू एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब देखो यू की वैल्यू पता है, यू की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू, यानी क्या होते हैं समीकरण अप्लाई कर सकते हैं, तो रखते हैं वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो यू का मान 2 और टी का मान कितना दिया है, टी का मान भी 2 दिया है, प्लस 1/2, ए का मान 1.5 और टी का मान 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2 × 2 = 4, और ये कितना 15 × 2 = 30, यानी क्या होगा 3 बन जाएगा, ये तो 4 × 3 = 7 तक जोड़ा जाए, कितना 4 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा 7, और ये दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, यानी 7 मीटर इस सवाल का क्या होगा सही आंसर होगा। तो
तो फ्रेंड ये आज के हमारे क्या 16 क्वेश्चन एमसीक्यू के समाप्त होते हैं, और ये गति चैप्टर भी हमारा एक प्रकार से समाप्त होता है, क्योंकि मैं इससे पहले मैंने आपको समीकरण बताया, आज उससे संबंधित एमसीक्यू करा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छे समझ में आया होगा, और मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ वीडियो को अत्यधिक लोगों तक शेयर कीजिए, कि वीडियो भी बहुत कम ही लोगों तक पहुँच पा रहे हैं, तो क्या हो जाए जैसे आप लोग शेयर करेंगे तो और लोगों को भी क्या हो इससे लाभ मिलेगा। और दोस्तों मैं आप लोग से कहना चाहूँ यदि आपको क्या है और अच्छे से इसको समझना है तो क्या एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, और क्या करिएगा प्रीसेस ये कि प्रैक्टिस बुक इसको लगाकर हल करिएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। केवल वीडियो देख लेने से ये चीजें आने वाली नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, इस पे आप जितना टाइम दोगे उतना ही आएगा। और दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, आप लोग उस वहां से डाउनलोड करके स्वयं से हल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और धन्यवाद।